नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या में बाजार थाना महाराजगंज के एक गांव में एक ऐसे नटवर लाल का उदय हुआ जिसने गांव में एक समूह से जुड़े कुछ महिलाएं और अन्य लोगों के लाखों रुपए का हेरा फेरी कर गरीब लोगों की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया है। मामला महाराजगंज थाना के गांव नेव कबीर में कुछ महिलाएं और पुरुष जो 60 सदस्यों द्वारा एक समूह चला रहे थे। समूह के माध्यम से गांव के लोगों को आर्थिक मदद बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराती थी। उसी में भारत नाम का एक ऐसा जालसाज जो समूह के नेतृत्व कर रहा था वह समूह के सदस्यों को धोखा देते हुए लाखों रुपए का गबन कर लिया, जिसे महाराजगंज थाने में सुबह 7 बजे ही गिरफ्तार कर हवालात में बंद कर रखा है। किंतु मजेदार की बात यह है कि महाराजगंज थाने में SHO महोदय मामले को रफा दफा करने के लिए फिराक लगे हुए हैं, जिसके कारण अभी उसका मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ, ना ही उससे जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई। यह जांच का विषय है। दूसरी ओर उस नटवर लाल के दो सगे भाई अमित गुप्ता अविनाश गुप्ता और उसका चचेरा भाई सूरज गुप्ता लोगों को लगातार धमकी दे रहे हैं, थाने में मत जाना नहीं तो ठीक नहीं होगा। समूह के पीड़ित लोगों ने सदस्यों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से मांग की है कि उसे जेल भेजा जाए और उसकी संपत्ति कुर्क कर सभी सदस्यों का पैसा वापस दिलाया जाए। थाने प्रयासों में दिखाना चाहूँगा, थाना माया महाराजगंज, ये माया बाजार में है, महाराजगंज थाना है। और यहाँ पे आज सबसे बड़ी बात है कि अभी तक हम लोग किताबों में पढ़ते थे, देखे थे नटवर लाल को, नटवर लाल जिसने पूरे भारत में नहीं तमाम विदेशों में भी अपनी एक धाक जमाई थी। और आज एक युवा दूसरा नटवर लाल आया है जो करोड़ों रुपये लोगों को घोटाला किया है। उसकी माली हालत बहुत अच्छी भी नहीं थी। सबसे बड़ी बात उसके पास तीन आधार है, तीन नाम है, और उस नामों के पीछे जो एक साजिश है वो इन गरीब परिवार के लिए वो एक बहुत बड़ा जोक बन करके, एक साजिश बन करके, जिस तरह साजिश करके इनके लाखों रुपए इन लोगों के लूटा है। और आज वो अभी इसी आज सुबह जो है उसको दरोगा ने गिरफ्तार किया है। नाम उसका है आनंद कुमार, रिंकू और एक नाम है भारत। तो ये देखना यह है कि यहाँ की पुलिस, चूँकि लोग समूह चला रहे थे, एक सहायता समूह है और गांव में तमाम कुछ लोग मिलजुल कर एक समूह चलाते हैं जो लोन का देने का, जो लोग पैसा अपना बचत करते हैं उस बैंक में जमा करते हैं और लोगों को जिनको आवश्यकता होती है उनको उस मौके पर लोन दे करके उनकी सहायता करते हैं, बाद में पैसा रिटर्न करते हैं, उसमें कोई ब्याज नहीं लगता होगा। और ये जिस तरह से हम लोग बैंकों में जब लोन कर्ज लेते हैं तो वो उस बैंक जो लोन जो लेते हैं उसका कई गुना हमको पेमेंट करना पड़ता है। तो उससे बचत के लिए इन लोगों ने अपने उस गांव में एक सुधार किया, एक समूह बनाया और लगभग 60 लोगों का समूह है जिसमें महिलाएं भी ज़्यादा हैं, पुरुष हैं, सभी मिलकर के हैं। लेकिन वो भारत गुप्ता उर्फ आनंद गुप्ता उर्फ रिंकू, तो मैं उससे भी मिलूंगा, लेकिन आज सबसे पहले राज नाम है उसका, नाम राज, चूंकि बाज राज है तो निश्चित है कुछ ना कुछ राज, बहुत तगड़ा राज है, इतना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी एक सगी चाची जिनका 5 लाख रुपए लगभग उनसे भी हड़प लिया है। और ये समूह ऐसा था कि इन लोगों से उसने आज से नहीं सालों से जो है उसके पास पैसे को लो है इधर उधर कर रहा था। और ये लोग गरीब आदमी है, शिक्षित नहीं है, अनपढ़ भी कह सकते हैं इनको, इनको जानकारी नहीं थी। वो पढ़ा लिखा था, हाई स्कूल फेल था और गांव में हाई स्कूल का एक उसका इतना सातिर दिमाग था कि इन लोगों को बरगलाया। आइए, आपका क्या नाम है, आप यहाँ आइए। तो सबसे बड़ी बात है कि इनका सगा भतीजा और सगा भतीजा भतीजे ने मिल करके अपनी चाची का 5 लाख रुपए गबन किया। क्या नाम है आपका? उषा जी, आपका कहाँ घर पड़ता है? नेव कबीर। अच्छा, ये बताइए कि नेव कबीर में रहती हैं तो ये आपका सगा भतीजा का है, जेठ क्या करते हैं? वो चाय पानी दुकान किए हैं। और ये जो है आपको कब जानकारी हुई कि आपका 5 लाख रुपए इसने ले लिया? ये 4-5 महीना से नहीं भर रहा है साहब, इसके लिए हम लोग पैसा कौन भरता था? वही भरता था, वही लिया सबसे ले करके। हाँ। पैसा भरता था और फिर वही आप लोगों का अंगूठा लगवा के ले लिया। हाँ। ठीक है, तो ये है उषा गुप्ता जो उनकी सगी चाची है। सब अब मैं जानना चाहूंगा क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, आप कितने साल से इसमें जुड़े थे, इस समूह में? करीब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल से आपने कितना रुपया जमा किया था? हम जमा नहीं किए थे, 1,60,000 रुपया यहाँ बंधन से ले लिया है हार्ड कैश। अच्छा। और 60,000 रुपया उत्कर्ष से लिया है। अच्छा। हाँ, कि हमें दे दो, हम इसको भुगतान कर देंगे, पर ये भुगतान नहीं कर रहा है।
अब अगर जो इसको इसको बोलो तो बोलता है कहीं कुछ होने वाला नहीं है, माफ़ हो जाएगा और हम भरेंगे दिसंबर से भरेंगे। इसके पहले नहीं, गवर्नमेंट की जिस तरह से स्कीम होती है कि आप लोन ले लिया और जब सरकार चुनाव आता है तो उसमें जो जो भी पार्टी होती है वो कहता है मैं कर्ज माफ़ कर दूंगा, एक उस पर जो है आते हैं और उसको कर्ज माफ़ कर देते हैं। वही इन लोगों को लालच दे रहा था कि आप लोगों का कर्ज माफ़ हो जाएगा, आप इसकी चिंता मत कीजिए, लेकिन यहाँ पे करोड़ों पे घुट। क्या नाम आपका? सुनीता सर। सुनीता जी, आप भी वहीं रहती हैं? जी सर। तो आप कब से इसमें जुड़ी हैं? 3 साल से सर। 3 साल से आप भी जुड़ी हैं? लगभग सभी 3 साल जुड़े हुए हैं। जी सर। तो आप हर महीने पैसे जमा करती थी? जी सर, पहले जवान बार ले थे, पहले हम एक किस्त ले थे। अच्छा। तो हम जमा कर दिया। अच्छा। एक बार हम अपन आधार कार्ड और सब दिया उसको। हाँ। तो 2-4 बना लिया तो 4-6 से मोम से रुपया ले के ये घपला कर दिया। अच्छा, इसने समूह बनाया, 4-6 समूह बनाया, पैसा उसमें जमा करने लगा, सब जानकारी नहीं हो पाई, सब में रुपया ले लिया। अच्छा। और हमसे बहाना से जाके अंगूठा लगवाया, पैसा सब ट्राफन करा लिया। और ओकरी बाद में सर जब 2-4 से नहीं भर रहा है तो जौन बस सब बैंक लोग सब आने लगे हमारे द्वारे, सब डांटने लगे जमा करो जमा करो। हम कौन सर आपसे हम पैसा लेने का, मैं गरीब मनी में कहां से जमा। सुनीता जी हैं, गरीब महिला हैं, इनसे भी जिस तरह से उसने हड़पा, और ये जो कहावत कहा जाती है कि गंगा जमुनी तहजीब यहाँ दिखाई पड़ता है, उस गंगा जमुनी तहजीब के दरमान 3 मुस्लिम भी, 4 मुस्लिम भी हैं यहाँ पे हैं, तो 4-5 लोग हैं, तो और भी हैं, 60 लोग की एक समूह है, और 60 लोग में भी मुश्किल से यहाँ पे 12-13 लोग आए हुए हैं, उसमें तमाम लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या नाम है आपका? जी सायरा। जी सायरा। सायरा जी, आपका भी कितना पैसा गया है? जी हमारा 2 किस्त का 80,000 गया है। आपका भारत ने लिया कि आनंद गुप्ता ने लिया? आनंद गुप्ता ने लिया। आनंद गुप्ता ने लिया। हाँ। और भारत ने नहीं लिया? नहीं। भारत कौन है? भारत ही है। वही भारत है, देखिए ये कंफ्यूज हो गई। जब ये कंफ्यूज हो गई तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि भारत ने कितना रुपया लिया आपका? 80। किस तरह से ये अपने उस 80,000 रुपये इकट्ठा की होंगी, किस तरह से उन्होंने किया होगा कि हाँ कहीं पर हम इस तरह उपयोग करेंगे, आज इनका 80,000 रुपया चला गया। आपका क्या नाम है बताइए, क्या नाम है? हमारा नाम नदी का, ये नदी का। क्या नाम है? गुड़िया नाम। गुड़िया, आपका भी पैसा गया है? हाँ, कितना गया है? हमारा भी वही 80,000। 80,000 रुपए, 80,000 आप ही भी आए। नाम क्या है आपका? गुड़िया। मेरा भी गुड़िया भी नाम, दो गुड़िया है यहाँ पे। तो देखिए आज यहाँ पे गुड़िया ही नाम, क्या और भी नाम है? अच्छा, तो ये क्या आप क्या कहना चाहोगे? आइए आइए, क्या नाम है? मेरा नाम बांकेलाल है। बांकेलाल जी बताइए, कैसे आपका पैसा चला गया? आप लोग जानकारी नहीं पाई, आप लोग कभी देखा नहीं कि यहाँ पैसा नहीं जमा हो रहा है, या जमा हो रहा है नहीं जमा, इसको देखना चाहिए था आपको लोग? जी सर, हम परेशान थे, हम दिल्ली में थे, बाहर रहते थे। अच्छा, आप बाहर रहते थे, वहाँ से आए तो हम परेशान हो गए, हरिनिया का मैं मरीज था जी, और वही पीरियड में हमको ऑपरेशन करवाना पड़ा, तो मेरी बीवी ने कहा हमको 10,000 रुपया दे दो, पैसा निकाला, एक 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 समूह से निकाला, उसके बाद 4 जगह से निकाल लिया इनके नाम पे। हाँ, और खाली हमको दिया कितना? 10,000। तो ये एक घोटाले का सबसे बड़ा रहस्य जो है वो एक समूह से, इसने 4 समूह बना हुआ है, एक समूह से इसने पैसा लिया, दिखाया इनको कि एक समूह ले रहा हूँ, और 4 समूह से पैसा ले करके और सारा जो है इनके ऊपर थोप दिया कि इन्होंने 4 समूह से पैसा लिया 10,000 रुपये, तो 40,000 का इस तरह से घोटाला हुआ। ऐसे तरह से तमाम भाई, आपके क्या नाम है? आइए आइए, क्या नाम है? अब्दुल हसन नाम है जी। अब्दुल हसन जी, आप फखरुल हसन? नहीं, तस्लीमुन नाम है। अच्छा, ये बताइए कि आपका भी पैसा गया? हाँ, पैसा गया, वो बोले हम ले ले रहे हैं, हम भर देंगे, तुमको कुछ कोई दिक्कत अच्छा, नहीं। अच्छा, ये 4 समूह आप लोग कैसे चला रहे थे? 4-4 समूह चलाना आसान तो है नहीं। हाँ, वही खाली हम अपना लिए जो भर दिए हैं, जो वो लिया है वही नहीं भर पा रहे हैं। 11-12 समूह है। हाँ। तो वो पैसा एक से लेता है, एक से आपसे दिखाता है। हाँ। और बाकी 10,000 का निकाल लेता है। विश्वास दिलाया, उसके बाद विश्वासघात किया। आप नहीं पढ़े लिखे दिख रहे हैं? नहीं, पढ़े नहीं है। इसमें कोई पढ़ा लिखा है? जी नहीं, कोई नहीं। बस सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कोई भी पढ़ा लिखा नहीं, सब अंगूठा टेक हैं, सिर्फ अंगूठा लगाना इनका काम है, इनको ये भी नहीं मालूम क्या लिखा है। आज जिस तरह से लोग घोटाला हो रहा है, तमाम देवरिया कांड आप देख ही रहे हैं, तमाम ऐसे कांड हो रहे हैं कि जो बहुत से ऐसे जो है जिनको संज्ञान नहीं होता है, पढ़ा लिखे नहीं होते हैं, उन्होंने क्या लिख करके अंगूठा लगवा दिया, अंगूठा लगा देते हैं। जो आज जमींदारी प्रथा से जो है आज से 50-60 साल पहले यही होता था, और जो जमींदार हुआ करते थे वो लोग गरीबों की ज़मीन हड़प लेते थे, और आज यहाँ पे इन अशिक्षित लोगों का जो गरीब परिवार से हैं, इनके लोग को लाखों रुपए उसने हड़प लिया है। लगभग हमको लगता है कि 2.5 से 3 करोड़ उसने वसूल किया होगा। तो ये बताइए सबसे बड़ी बात, चाची कहाँ है उनकी? आइए उषा जी, आइए भाई, ये कि उस लड़के का जो है पढ़ा लिखा तो है, हाई स्कूल फेल है,
अच्छा ये बताइए, उसकी कभी और कहीं नौकरी करता था कहीं कुछ? नहीं। कहीं बाहर रहता था वो? नहीं, यही गांव में रहता था। समूह यही चलाता था। तो ये है कि एक बंदा पढ़ा ले, कहाँ खड़े हो, आपका पैसा क्या क्या चेहरे पे उदासी दिखाई पड़े, लेकिन भागे भागे टहल लो यार। आप क्या नाम भाई आपका? सरोवर अली। सरोवर अली, सरोवर अली, आपको पैसा तो लगता है काफी मजबूत, आप पैसे से हो इसलिए आपको तकलीफ नहीं है। कितना पैसा ठगा है? अरे हमारा 3-4 किस्त ले। कितना रुपया गया? अरे 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया आपका गया? तो आप लोगों ने अभी जब जानकारी हुई 5 महीने पहले 4 महीने पहले आपने इसका कंप्लेन कहीं किया? तो सर बता रहा कि मैं भरूंगा, पैसा पहले भर रहा था, दिसंबर से भरे पैसा, तो दिसंबर के पहले जो है हम लोगों के ऊपर कार्रवाई कर देंगे बैंक वाले। और दिसंबर से क्या भरेगा, जब हम लोग जेल में चले जाएंगे तब ये भरेगा क्या, आप वहाँ फरार हो जाएगा। तो ये कहने मतलब है कि आज यहाँ पे जिस तरह से इन लोगों के साथ छल हुआ है और इन लोगों की एक मांग है, वो पैसा कैसे रिकवरी होगा, कैसे रिकवरी किया जाए, ये आप बताइए थोड़ा सा। वो पैसा हम लोगों को दिलावा जाए, चाहे जैसे घर कुड़ करें, हाँ, खेत खलियान कुड़ करें, खेत गाड़ियाँ, खेत है ही नहीं, खेत है ही नहीं है। हाँ, गाड़ी है। कितनी गाड़ियाँ इसके पास? 8-9 गाड़ी है। 8-9 गाड़ी? हाँ। क्यों चाची जी आप? तो कितनी गाड़ी? 3 गाड़ी है। आपके पास क्या गाड़ी है? क्यों नहीं भाई? तो ये देखिए, इनके पास एक गाड़ी नहीं, बस 3-4 गाड़ी है, 3-4 गाड़ियां हैं, 2-3 गाड़ियां उसने बेच दिया है। आज उसके पास जिस तरह से 3-4 गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां कहाँ कैसे उसके पास आया, ये जांच का विषय है। और मैं यहाँ के SSP महोदय से मैं कहूँगा जिसको जरूर नैयर साहब से कि इसको अपने स्तर से जाँच करावें, चूँकि आज वो यहाँ थाने में बंद है और उसके पास ऐसे धारा लगावें कि कम से कम वो साल भर तक निकले नहीं, और नहीं तो लोगों को, बहुत लोगों को जो है चूना लगाएगा। और दूसरी बात है, जो इसके पास जितनी संपत्ति है इसके सारे बैंक जो है सील किए जाएं, सारे अकाउंट सील किए जाएं, और जो भी इसके नाम से प्रॉपर्टी है उसको कुर्क किया जाए, उसकी नीलामी की जाए, और इन लोगों को जो है राहत दिया जाए, जिससे इनके इन गरीब परिवारों का जो पैसा आज डूब गया है, ले लिया है, वो इन लोगों को वापस होना चाहिए। क्यों भाई, क्या नाम है आपका? आपका क्या? साहबान जी, आपका भी गया है? कितना गया आपका? कितना गया? 80,000। तो ये है कि हर लोगों का, किसी का 80,000, किसी का 1,00,000 रुपए, किसी 5,00,000। सबसे बड़ी बात है चाची की, सगी चाची 1,50,000 रुपया निकाल लेगा, उनका 5,00,000। क्या नाम है भाई आप? हाँ तो बोल पे नहीं किए, क्या नाम, क्या नाम है आपका? परेशान है, यही पैसा के टेंशन में तबीयत खराब है, तबीयत खराब हो गया। 1,50,000 चला गया? 1,50,000 ना, हमारे 2,00,000 रुपया ले, 40 उत्कर्ष से ले है, 40 मुकुश से ले है, 1,50,000 बंधन से ले है। ये तीन समूह है? तीन समूह उत्कर्ष, हाँ, हमारे हमारे माध्यम में ये तीन समूह से पैसा हमारे नाम 2,00,000 रुपए ले लिया आपसे। तो ये 2,00,000 रुपए आप जो है कैसे आपके पास आया, कहाँ से आया? आप कैसे आए हमारे पास? जब हमारा अंगूठा दस्तखत क्या यहाँ लागत बल लगाए दिया, अनपढ़ है, ले गया तू निकालिया बरा, तो हर गलती हमार कौन गलती? कहीं ना कहीं साजिश यहाँ बैंक भी है, बिल्कुल कहा जाएगा कि बैंक के जो कर्मचारी हैं उनका भी साजिश है, क्योंकि वही बार बार पैसा निकाल रहा है, लोगों का अंगूठा लग रहा है, और जब तक अंगूठा नहीं लगता जब तक वेरीफाई नहीं होती है, वेरीफाई होनी चाहिए कि वही जिस महिला का या जिस पुरुष का अंगूठा लग रहा है वो यहाँ खड़ा है। इसमें सबसे बड़ा दोषी अगर है तो बैंक है, जो भी बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, कौन सा बैंक है? बंधन है, उत्कर्ष है। नहीं नहीं, बैंक से जहाँ लोन लिया है बंधन है, बंधन बैंक, उत्कर्ष बैंक, जो भी बैंक हो उसके जहाँ वहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको पर उन पर नकेल कसा जाए और रिकवरी उनसे की जाए, क्योंकि वो भी शामिल हैं। इस तरह बड़ा पर घोटाला अकेले करने की क्षमता उसकी नहीं है, और यहाँ जो बैंक के भी कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उन पर नकेल कसनी पड़ेगी, उनसे रिकवरी करनी पड़ेगी। और ये प्रशासन का काम है कि जिला प्रशासन, मैं कहूँगा जहाँ के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी से मैं कहूँगा कि ऐसे लोगों पर, ऐसे बैंकों पर, चूँकि बैंक आपके उसमें आता है, मैं CDO अनिता यादव से कहूँगा कि आप इस पर जो है जाँच करावें, और वो जो भी बैंक है उसके मैनेजर, उसके कर्मचारियों पर रिपोर्ट दर्ज करावें, और इन लोगों को जो है पैसा उनका रिटर्न करावें। मैं अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, थैंक यू।